Please subscribe the channel and activate the notification bell to get latest updates and videos. नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर आर्य आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कुछ साल पहले एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन संघियों ने इसमें एक और नारा जोड़ दिया है, वो है बेटी भगाओ। बेटी भगाओ क्यों? क्योंकि संघ, जो कि अपने आप को हिंदुत्व का सबसे बड़ा सिक्का सलार कहता है, उसी की लड़कियां आए दिन मुस्लिमों के साथ में भाग रही हैं, और वो भाग करके एक ऐसा अप्रतिम कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं कि आए दिन ये खबरें आप और हम के सामने आते ही रहती हैं। और सबसे बड़ी चीज़, महाराष्ट्र और गुजरात जो कि इन्हीं संघियों शिवसेना वालों का गढ़ है, वहीं पर ही सर्वाधिक मतांतरण और ऐसी एप्लीकेशंस हिंदू लड़कियों के द्वारा कि वो जहां मतांतरित होकर के मुस्लिम लड़कों से शादी करना चाहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी ऑफिशियली तौर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी भगाओ का नारा दे देना चाहिए। अब इससे अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें, क्यों बच्चियाँ भागें भी क्यों ना, अगर कोई मुस्लिम लड़का उनको प्रपोज़ करता है, अगर वो लड़की उसको इनकार भी कर देती है, तो उस लड़की को ही प्रिया माथुर बना दिया जाता है। और प्रिया माथुर बन भी जाए तो भी कौन सा आपका मीडिया उस बात को उछालने वाला है या प्रत्यक्ष सबके सामने लेकर के आने वाला है? बिल्कुल भी नहीं लाएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी हाई प्रोफाइल नहीं था। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के विधायक की एक बच्ची थी, वो भाग गई थी किसी और के साथ में, और उस लड़के ने भी उसके साथ में काफ़ी सारा कुछ झूठ बोला, लेकिन वो क्योंकि हाई प्रोफाइल था, वो लड़की मरी नहीं थी, केवल उसने अपने बाप को धमकी दी थी। उसी चीज़ को लेकर के 7 दिन लगभग तक हर एक चैनल लेकर के बैठा रहा और उसके बाप की पगड़ी उसके भाई की पगड़ी उछालता रहा था, क्योंकि ये केस एक हाई प्रोफाइल है और प्रिया माथुर का केस कोई हाई प्रोफाइल नहीं है, इसलिए उसको आपका मीडिया और आपके नेतागण भी नहीं छेड़ेंगे और ना ही उसके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला हिंदुत्ववादी संगठन सामने आएगा। अभी लंबा केस चलेगा, हालांकि प्रत्यक्षदर्शी हैं वहां पर जिन्होंने देखा है कि प्रिया माथुर का किस तरीके से खात्मा किया गया, लेकिन फिर भी केस चलेगा, एक लंबा केस चलेगा और तब जा करके कोई फैसला होगा जिसमें कि बीच में न्याय मंच भी कूद जाएगा, जिसमें कि जकात फाउंडेशन फंडिंग करने के लिए भी कूद जाएगा। लेकिन अगर यही बच्चियां किसी भारतीय जनता पार्टी के विधायक के ही चंगुल में फंस जाएं, जैसे कि कुलदीप सेंगर, जिनके ऊपर पिछले दिनों आरोप लगाया था एक लड़की ने, आरोप को कहा गया कि झूठा आरोप है, जमीन का मामला था कुलदीप सेंगर के ऊपर एक झूठा आरोप लगा करके, क्योंकि आजकल यह आरोप लगाकर कोई भी लड़की डायरेक्ट किसी को जेल में डलवा सकती है, इसलिए कुलदीप सेंगर के ऊपर यह आरोप लगाया गया था। लेकिन अगर कुलदीप सेंगर उसमें पूरी तरीके से पाक साफ थे, तो ऐसे समय में उनके पिताजी की दर्दनाक मौत कैसे हुई और क्यों हुई कस्टडी में, उनके चाचा के ऊपर 5-5 केस लगा करके उनको अंदर क्यों किया गया, इसके ऊपर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। लेकिन अब एक कदम और आगे बढ़ करके एक साजिश के तहत एक ट्रक से इनकी गाड़ी को ठुकवा दिया जाता है, जिसमें कि उसकी चाची मौसी उसका वकील ये सब लोग मारे जाते हैं। बचती है वो लड़की जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से घायल है और हॉस्पिटल में भर्ती है। अगर नंबर प्लेट पर कालिख पुते हुए ट्रक से कोई गाड़ी को टक्कर मारी जाती है, लोगों की मौत हो जाती है, तो ऐसे समय में क्यों नहीं मामला एक और बार फिर संदिग्ध बन जाता है? और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या एक बार फिर से अपना नारा दोहरा सकते हैं कि बेटी बचाओ फिर बेटी को पढ़ाओ, और अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ ना करे तो फिर उसको मरवाओ, कार से ठुकवाओ, ट्रक से ठुकवाओ, या फिर उसको झूठे आरोप में कस्टडी में लेकर के पीट पीट करके मार डालो, और या फिर उसके परिवारी जनों को झूठे आरोपों में अंदर करके फिर मार डालो। तो हमारी सरकार हमें क्या कहना चाहती है? जहां एक तरफ ट्विंकल शर्मा का केस होता है तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी उनके माता पिता को लखनऊ मिलने के लिए बुलाते हैं, ना कि उनके पास में पहुँचते हैं। दूसरी तरफ अगर इन्हीं भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में कोई मुस्लिम चोरी करता, चकारी करता, लूट डकैती करता हुआ पकड़ा जाए और पीट दिया जाए, तो पीटने मात्र पर भी उसके ऊपर मुआवजों की बौछार हो जाती है। इन सभी चीज़ों को आप लाइन नुमा रख करके
और बार बार इनके ऊपर सोचें, समझें और आपको एकदम बात क्लियर हो जाएगी कि हमारी सरकार हिंदुओं का केवल और केवल बेवकूफ़ बना करके उनको आखिर में वोट बैंक में तब्दील करके केवल और केवल अपनी सरकारें बनाना चाहती है। हमारे देश का हिंदू इतना ज़्यादा पागल हो चुका है कि उसके सामने आप एक बार पाकिस्तान का नाम ले दीजिए, वो पूरी तरीके से पागल हो जाता है, बौखला जाता है और वो सीधे सीधे अपने किसी भी व्यक्ति को, आप आज की तारीख में किसी बड़े डॉन को खड़ा कर दीजिए, वो अगर इनके सामने कह दे कि हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम उसके ऊपर बम गोला बारूद छोड़ देंगे, हमारे देश का सारा समाज जो हिंदू समाज है उसको वोट देना शुरू कर देगा, ना कि अपने देश के विकास के नाम पर, ना कि अपनी बच्चों की सुरक्षा के नाम पर, ना कि अपने बच्चों की सुरक्षा के नाम पर, ना कि अपनी कौम की सुरक्षा के नाम पर, ना कि अपने मंदिरों के या फिर अपने धर्म ग्रंथों की सुरक्षा के नाम पर, ना कि अपने धर्मगुरुओं की सुरक्षा के नाम पर, केवल और केवल इनको चाहिए पाकिस्तान की तबाही और उसकी जो नब्ज़ है वो हमारी सरकार के हाथ में है, जिसको वो बार बार परखती रहती है, दबाती रहती है और आपका वोट लेती रहती है और सरकारें बनाती रहती है, अपीजमेंट की जो राजनीति है वो करती रहती है। दोस्तों, अगर यही सब कार्य जो पिछले दिनों में हुए हैं, यही सब कार्य अगर कांग्रेस के शासनकाल में हुए होते तो अभी तक ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ के जितने कार्यकर्ता हैं वो सब लोग और हम और आप जैसे जितने भी सामान्य वर्ग के लोग हैं वो सब भी कांग्रेस की खाल खींचने में लग जाते, रात दिन सोशल मीडिया पर ये सब पोस्ट करने लग जाते, लेकिन क्योंकि ये सब कार्य जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की नाक के नीचे हो रहे हैं, इनके शासित राज्यों में हो रहे हैं और इन्हीं के द्वारा स्थापित विधायकों के द्वारा हो रहे हैं, इसलिए सब और सन्नाटा है। दोस्तों, अभी कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आप तो अब भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा भी करने लगे हैं। दोस्तों, इसका एक रीज़न है, वो ये है कि हम उनके सपोर्टर हैं, हम उनके चाटुकार नहीं हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो पहले सपोर्ट कर रहे थे वो अब भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो अभी भी सेंगर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अभी भी इसमें कूटनीति, राजनीति, चाणक्य नीति ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे सीधे लफ्ज़ों में आपके सामने बात को स्पष्ट या प्रकट करने की उनकी ताकत नहीं है, क्योंकि वो एक चाटुकार किस्म के लोग हैं। दोस्तों, अगर बात साफ और स्पष्ट हमको दिखाई दे रही है कि सरकार अपीजमेंट की राजनीति कर रही है, वो चीज़ जो स्पष्ट दिखाई दे उसको बोलने में क्या दिक्कत है? इसी वजह से मैं कहता हूँ कि यह जो सरकारें बनती हैं वो सरकारें केवल और केवल हिंदू समाज को लूटकर, खसोटकर केवल अपनी वोट बैंक की राजनीति करने, अपनी सरकारें बनाने के लिए होती हैं। अभी आप देखना कि फ्यूचर में जिस प्रकार से भी 40 मुस्लिम जजों की नियुक्ति हुई है, जिस प्रकार से पिछले दिनों 52 या 53 ए ग्रेड की जॉब्स में इन लोगों को भरा गया है, जिस प्रकार से इनकी अपीजमेंट हो रही है, जिस प्रकार से इनको कोटे में भरा जा रहा है, जिस प्रकार से 10% जनरल आरक्षण दिया गया है जिसमें कि सभी इस्लामिक और ईसाई लोग भी आ रहे हैं, इस गलत फहमी को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि 10% का जो आरक्षण मिला है वो केवल और केवल सवर्ण जातियों के लिए है, यह नॉन रिजर्व्ड के लिए है और नॉन रिजर्व में इस्लामिक भी आते थे और ईसाई भी आते थे, उन सबको भी इसी कोटे में से आरक्षण मिलेगा। ये सब जो किया जा रहा है और लोगों को बहकाया जा रहा है, हिंदुओं को बहकाया जा रहा है केवल और केवल सवर्ण जातियों के लिए, ये सब जितने भी कार्य हो रहे हैं, चाहे उनके जितने भी केसेस हैं उनको न्यूट्रल करके, अभी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से प्रिया माथुर के केस को पूरी तरीके से न्यूट्रल करके अचानक से सेंगर वाले केस को उठा दिया गया है, ये सब जितने भी कार्य होते हैं और अंततः सेंगर की अगर आप FIR भी देखेंगे तो उसमें भी उनका पता अनुपलब्ध है, ये हमारे देश की पुलिस और सरकार की ऐसी स्थिति है कि जिसमें उनको विधायक का पता भी मालूम नहीं है, इसमें भी इस मामले को बाद में जाकर के न्यूट्रल कर दिया जाएगा। ये जो सब कार्य हो रहे हैं ये सिर्फ इसलिए हो रहे हैं ताकि हिंदुओं के ऊपर एक दबाव बढ़ाया जा सके, प्रेशर बढ़ाया जा सके, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो वोट परसेंटेज रहा है वो 86% औसतन रहा है और रेस्ट ऑफ इंडिया का जो रहा है वो तकरीबन 56 से लेकर के 57% रहा है। जब तक पूरे देश को पश्चिम बंगाल की तरह उबाल नहीं दिया जाएगा, पूरी तरीके से भक भक आग के बीच में रख नहीं दिया जाएगा, तो यहाँ का पूरा समाज कैसे महसूस करेगा कि भारतीय जनता पार्टी और RSS ही हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं और किस प्रकार से वो इनको वोट कर पाएगा? जब तक वो स्थिति ना आ जाए और जब तक नरेंद्र मोदी 400 साढ़े 400 सीट वाला रिकॉर्ड कायम ना कर दें,
तब तक आप लोगों के साथ में इसी प्रकार की राजनीति कंटिन्यू चलती रहेगी। इसके लिए बहुत ज़्यादा वेट करने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे समय के साथ में, समय कुछ समय बीतने के बाद में आप लोगों को भी इस बात का स्पष्ट एहसास होने लग जाएगा। बात साफ सी है, अगर कोई और करे तो, और अगर भाजपा ही करे तो चमत्कार। दोस्तों, इस तरीके का जितना भी मीडिया हो या भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार हो, इनका जितना भी दोगलापन है उसको स्पष्ट सबके सामने रखने की आवश्यकता है। अगर आपको भी कहीं पर लगता है कि इसी तरीके की दो मुही राजनीति हमारी सरकारें कर रही हैं, तो कमेंट बॉक्स में आकर के अवश्य बताएं। इस वीडियो को स्प्रेड करें, सब तक भेजें, क्योंकि यही है असली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और सबसे पहले इन ऐसे राक्षसों से बचाओ जिसमें कि कोई नईम, कोई तहसीन या फिर कोई सेंगर आकर के बच्चियों की अच्छी खासी जिंदगी में आग लगा जाता है। मेरे संग बोलिए भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।